हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर थर्ड चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, या इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, डीई एंड एसएफ। और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 4 है। देखो, लास्ट ईयर लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नंबर 2 किया था, और उसके सेम एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह हो जाएंगे। आज देखो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 जो जेपीएस की बुक में पेज 98 के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी फ्रॉम द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू सी जी एक्स प्लस कैपिटल जी एक्स सी एफ एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स, ऑब्टेन द रिकाटी इक्वेशन। ठीक है, तो आज हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी फ्रॉम द इक्वेशन ऑब्टेन द रिकाटी इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर एलिमिनेट करो किसको, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी को। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशंस है इसके अंदर से अपने को सी को हटाना है, एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना या उसको हटाना होता है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी को, और उससे हमें क्या लेके आना है, क्रिएट करना है, ऑब्टेन द रिकाटी इक्वेशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन से आना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस की पहचान हो जाएगी आसानी से, आपको रिकाटी इक्वेशंस लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई एलिमिनेट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। तो सबसे पहले इसके प्रूफ में क्या लिखेंगे भाई, इट इज गिवन दैट, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट वाई इज इक्वल टू सी जी एक्स प्लस कैपिटल जी एक्स अपॉन कैपिटल सी स्मॉल एफ एक्स प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, या फिर आप वाई को ऐसे लिखो और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल सी स्मॉल जी प्लस कैपिटल जी अपॉन सी स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ इक्वेशन 1। ठीक है, वेयर यानी हमने इस शॉर्ट को क्या लिख लिया, जी बाई जी एक्स है, कैपिटल जी है वो जी इंटू एक्स है, तो इसको हमने यहाँ, ताकि हमारे पास थोड़ा सा समय भी बच जाए, और यह है भी जी जी स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, हमको क्या लेके आने, इसे ऑब्टेन द रिकाटी इक्वेशन से, और y1 का मतलब क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स। देखो y1 का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट क्या आएगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स लिखूँ या फिर मैं y1 लिखूँ। देखो dy वाई बाई डी एक्स लिखूँ या फिर मैं इसको y1 लिखूँ, ये कौन से मेथड से होगा भाई, u अपॉन v मेथड से, यानी अंश अपॉन हर मेथड से, तो ये अंश हर इंटू अंश का अवकलन इसका करेंगे, देखो c g का कितना हो जाएगा भाई g1 प्लस कैपिटल g का कितना हो जाएगा g1, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो इसका आ जाएगा c इंटू स्मॉल f का f1 प्लस कैपिटल f का f1 प्लस कैपिटल f का f1 भाई, इसका एक प्रकार से ये g क्या है, ये जी एक्चुअली क्या है हमारे पास है? जी एक्स है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी जी एक्स बाई डी एक्स, या इसको हम जी वन एक्स बोलेंगे या इसको हमें जी वन, तो हमको इसको क्या बोल देंगे, ये स्मॉल जी वन आ जाएगा, ये कैपिटल जी वन आ जाएगा, माइनस अंश इंटू सी जी प्लस जी इंटू हर का अवकलन सी इंटू एफ वन प्लस कैपिटल एफ वन। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, हर का वर्ग, अपॉन में क्या आ जाएगा, सी इंटू एफ प्लस कैपिटल एफ का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स या वाई वन आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास वाई, और इससे हमें ऑब्टेन यानी हमें लेके क्या आना है, वाई वन चाहिए, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो कहीं ना कहीं हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना हुआ। अब देखो साथ साथ ध्यान रखो, एक्चुअली क्वेश्चन का टारगेट क्या है,
इस क्वेश्चन का हमारे टारगेट क्या है, एलिमिनेट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, यानी कॉन्स्टेंट सी को हमें हटाना है या रिमूव करना है या एलिमिनेट करना है। तो सी को हटाना है तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास सी हटना चाहिए। देखो ये y1, तो आंसर में देखो कहीं भी हमारे पास c नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे को कैपिटल C को हटाना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ से आप c की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, y इंटू सी स्मॉल f प्लस कैपिटल f, ध्यान रखना भाई अब स्मॉल f और कैपिटल f का इज इक्वल टू c g प्लस कैपिटल g। C को हटाना है ना, तो ये कितना बचेगा, वाई सी स्मॉल f प्लस वाई f इज इक्वल टू सी जी प्लस जी। C वाली स्टेप को इधर ले आओ, तो ये कितना बचेगा मेरे पास से वाई f, ये C मेरे पास कितना बचेगा भाई, यहाँ से इस C को इधर लेके आएंगे तो C कॉमन आ जाएगा, तो वाई f माइनस का g इंटू सी, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास से g माइनस वाई f इंटू में कितना आ जाएगा g माइनस वाई एफ, या फिर हमारे पास c कितना आ जाएगा, कैपिटल C कितना आ जाएगा g माइनस वाई एफ, g माइनस वाई एफ अपॉन वाई एफ माइनस जी, वाई एफ माइनस जी। और देखो आपको छोटे बड़े g का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट से y इंटू सी एफ प्लस कैपिटल एफ इज इक्वल टू सी जी प्लस जी, तो ये y इंटू सी एफ और ये सी जी प्लस वाई एफ और ये जी, सी इधर आएगा तो वाई एफ माइनस जी, और ये वाई एफ इधर जाएगा तो g माइनस वाई एफ, और ये आ जाएगा इसके नीचे। यानी इक्वेशंस में हमारे पास c कितना आ गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। यानी हमने इक्वेशन 1 से c की वैल्यू निकाली, वो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, g माइनस वाई एफ अपॉन वाई एफ माइनस जी। ये c की वैल्यू आप रख दो इक्वेशन 2 के अंदर, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से c की वैल्यू आप क्या रखोगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास अपना आंसर से आ जाएगा। चलो देखते हैं एक बार, देखो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी फ्रॉम इक्वेशंस थ्री इन इक्वेशन टू वी गेट। यानी यहाँ से हमारे पास इक्वेशन सी की वैल्यू हटाओ, और कहाँ रखनी है अपने को, इस इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये कितना बचेगा मेरे पास है, वाई वन इज इक्वल टू कैपिटल सी, सी का मतलब जी माइनस वाई एफ अपॉन वाई एफ माइनस जी अपॉन में वाई एफ माइनस जी। देखो ये तो आ गया हमारे पास सी की वैल्यू, इंटू में स्मॉल एफ है, इंटू में स्मॉल एफ है प्लस कैपिटल एफ है, एक स्टेप तो इसकी ये हो गई, ठीक है, ध्यान रखना इसका जो प्रूफ करना है। देखो एक स्टेप तो हमारे पास इसका ये आ गया, सेकंड स्टेप देखो, इंटू में क्या है सी जी वन, सी की वैल्यू क्या है जी माइनस वाई एफ अपॉन वाई एफ माइनस जी, छोटे और बड़े का ध्यान रखना है भाई आपको, इंटू में जी वन प्लस कैपिटल जी वन, ये माइनस और ये आ जाएगा सी इंटू जी, सी का मतलब फिर से क्या आ जाएगा जी माइनस वाई इंटू एफ अपॉन वाई एफ माइनस स्मॉल जी, और इंटू में जी प्लस कैपिटल जी, और फिर लास्ट इंटू में कितना आ जाएगा सी की जगह जी माइनस वाई एफ अपॉन वाई एफ माइनस का जी, इंटू के अंदर एफ वन प्लस कैपिटल एफ वन, ठीक है। तो यहाँ तक ये दिखाई दे जाएगा स्मॉल एफ वन प्लस एफ वन, यानी यहाँ हमने यहाँ सी की वैल्यू रख लिया इंटू एफ प्लस कैपिटल एफ, यहाँ सी की वैल्यू रख ली इंटू जी वन प्लस कैपिटल जी वन, माइनस सी की वैल्यू इंटू जी प्लस जी, और सी की वैल्यू एफ वन प्लस एफ है, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा अपॉन के अंदर सी एफ, सी का मतलब जी माइनस वाई एफ है,
जी माइनस वाई एफ अपॉन वाई एफ माइनस जी अपॉन वाई एफ माइनस जी इंटू में एफ प्लस का कैपिटल एफ है, और ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और ये पूरे का क्या है हमारे पास है होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने इक्वेशन थ्री से सी की वैल्यू हटाई और इक्वेशन टू के अंदर हमने कर दी शिफ्ट, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब आप आगे आपको प्रूफ करना है वो आप खुद से लेके आओगे, मेरे इस लेक्चर को यहीं आप भी पॉज करो और पहले करके देखो, अगर नहीं आ रहा है तो ही आप इसके अंदर इसमें आगे देखना। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है, खुद से हाथ से करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके एग्जाम अभी पास में है तो आपको फायदा ही होगा इस चीज़ का। अब देखो आपको क्या करना है, शॉर्टकट में ऐसे नहीं कि रफ में भी बहुत सारी स्टेप्स करेंगे, कम से कम स्टेप करने की कोशिश करना। इसको तो मैं लिखता हूँ ऐसे कि y1 इज इक्वल टू, देखो ये f तो होगा इधर मल्टीप्लाई और ये होगा इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा जी स्मॉल f माइनस वाई कैपिटल f इंटू स्मॉल f। देखो साथ साथ इस f को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, ये इससे होगा तो कैपिटल f, तो ये आ जाएगा वाई कैपिटल एफ स्मॉल एफ माइनस जी इंटू कैपिटल एफ, यानी दो स्टेप्स ये और दो स्टेप्स ये, वन टू थ्री और फोर, देखो चार स्टेप्स तो ये हो गई। ओके, अपॉन में वाई एफ माइनस जी, एक बार लिखना मत, ठीक इसी प्रकार इसकी निकालो, ये कितना आ जाएगा जी जी वन माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एफ जी वन प्लस वाई एफ कैपिटल जी वन माइनस जी इंटू जी वन माइनस जी इंटू जी वन। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर स्टेप्स हमारे पास इसकी आ जाएंगी, अपॉन में वाई एफ माइनस जी, इसी के अंदर आ जाओ जी जी माइनस वाई एफ जी प्लस वाई स्मॉल एफ कैपिटल जी और ये जी जी, छोटे बड़े का ध्यान रखोगे भाई, इंटू में कितना आ जाएगा जी एफ वन माइनस वाई कैपिटल एफ एफ वन प्लस वाई, इधर देख लेता हूँ मैं, प्लस वाई स्मॉल एफ कैपिटल एफ वन माइनस जी इंटू एफ वन। ठीक है, यानी सभी के अंदर हमारे पास कितनी स्टेप आ गई, चार स्टेप्स आ गई। अपॉन में इसके नीचे देखो कितना आ जाएगा, ये जी एफ जी स्मॉल एफ माइनस वाई कैपिटल एफ स्मॉल एफ प्लस वाई स्मॉल एफ कैपिटल एफ माइनस जी इंटू एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने क्या छोड़ दिया कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, देखो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो गया, वो ये क्या बचा वाई एफ माइनस जी इंटू वाई एफ माइनस जी, वाई एफ माइनस जी का होल स्क्वायर, यहाँ भी वाई एफ माइनस जी, वाई एफ माइनस जी, वाई एफ माइनस जी का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास ये नीचे वास्तव में क्या बच गया वन अपॉन वाई एफ माइनस जी का होल स्क्वायर। अपॉन में इसके भी देखो वाई एफ माइनस जी और कॉमन लेंगे तो बाहर ये भी होल स्क्वायर, तो सेकेंड स्टेप से फोर्थ स्टेप हमारे पास ही कैंसिल हो जाएगी। देखो ये वाई एफ माइनस जी का होल स्क्वायर इस वाई माइनस एफ जी के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अब खुद रप में प्रैक्टिस करके इसे काटोगे। अब इसके अंदर काटा पीटी करो, जो स्टेप्स कटती हैं उन्हें काट दो और जो नहीं कटती हैं उसे छोड़ो। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा वाई वन इज इक्वल टू, ये देखो वाई कैपिटल एफ स्मॉल एफ से वाई कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और ये जी जीवन, जी जीवन नहीं है ये वाई एफ जीवन, ये नहीं कटेगा भाई। इसी प्रकार ये जी जी, देखो कैपिटल जी से जी ये, ओके वाई एफ जी से वाई स्मॉल एफ जी, ये वाई जी जी ये अलग है भाई, जी एफ वन ये नहीं जाएगा, और कैपिटल एफ एफ वन से ये कैंसिल नहीं होगा, वाई एफ एफ से वाई एफ एफ कैंसिल, यानी दो स्टेप्स इसके अंदर नहीं कटेंगी, दो स्टेप्स इसके अंदर नहीं कटेंगी, और एक ही नीचे से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कितना बच गए जी एफ माइनस स्मॉल जी इंटू कैपिटल एफ, ओके ये हमारे पास कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास जी जी वन, और पहले मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस जी जी वन, देखो एक तो इसको लिख लिया मैंने, फिर सेकंड इसको, अब इन दोनों में मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ, या चलो एक बार तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, माइनस वाई एफ जी वन प्लस वाई स्मॉल एफ जी वन। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर आ जाओ माइनस, ये कितना बचेगा वाई एफ जी
वाई एफ जी को पहले लिखो, माइनस वाई कैपिटल एफ जी को बाद में लिखो, और इनटू में जी एफ वन माइनस वाई कैपिटल एफ एफ वन प्लस वाई स्मॉल एफ एफ वन माइनस जी इनटू एफ वन। तो इसके अंदर भी पहले पास में ले लेते हैं, जी एफ वन माइनस स्मॉल जी इनटू एफ वन माइनस या प्लस वाई एफ एफ वन माइनस वाई कैपिटल एफ और एफ वन। ध्यान देना, ये स्मॉल एफ कैपिटल एफ वन है, ये कैपिटल एफ और स्मॉल एफ ही वन है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जी एफ माइनस जी स्मॉल एफ माइनस जी इंटू एफ का होल स्क्वेयर्स, जी एफ माइनस स्मॉल जी इंटू एफ का होल स्क्वेयर्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन ले लो, तो ये कितना बच गया हमारे पास है, जी एफ माइनस जी एफ। इसके अंदर देखो इसको तो छोड़ दो, जी जी वन माइनस जी इंटू जी वन। इसके अंदर से दोनों में वाई कॉमन ले लो और प्लस का वाई कॉमन ले लो, तो पहले इसको क्या लिखूंगा मैं, एफ जी वन माइनस कैपिटल एफ इंटू जी वन। इसके अंदर देखो वाई कॉमन लो, वाई कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा मेरे पास है, जी एफ माइनस एफ इंटू जी। इसके अंदर देखो ये जी एफ वन माइनस स्मॉल जी इंटू एफ वन प्लस वाई कॉमन ले लो, कैपिटल एफ वन स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ इंटू स्मॉल एफ वन। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास है, जी एफ माइनस स्मॉल जी इंटू एफ का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, स्टेप्स बाय स्टेप्स चलते आ रहे हैं, वैसे इसमें समझाने वाला ऐसे कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है, फिर भी देखो आपको शानदार तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको रफ भी काम में नहीं लेना पड़े, तो आप एक दो स्टेप्स ज़्यादा लिख लो। अब देखो ध्यान दो, जी एफ माइनस जी एफ, देखो कैपिटल जी एफ माइनस स्मॉल जी एफ, कैपिटल जी एफ माइनस स्मॉल जी एफ। एफ जी लिखूँ या मैं जी एफ लिखूँ, एक ही बात है ना, आप लिखा रहने देना भाई। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कॉमन आ गया, जी एफ माइनस जी एफ, जी एफ माइनस जी एस, और नीचे वाले एक जी एफ माइनस जी एफ से कैंसिल हो गया। तो देखो इसको एक ही स्टेप में कैंसिल करेंगे, ये बाहर आ गया तो ये कितना बचा, जी जी वन माइनस जी जी वन प्लस ये बाहर आ गया वाई स्मॉल एफ जी वन माइनस कैपिटल एफ इंटू जी वन, फिर माइनस वाई, देखो ये भी बाहर आ गया, ये कितना बचेगा हमारे पास है, जी एफ वन माइनस स्मॉल जी एफ वन और प्लस वाई एफ वन एफ माइनस कैपिटल एफ इंटू एफ वन। और नीचे क्या बचेगा, देखो जी एफ माइनस जी एफ, जी एफ माइनस जी एफ कॉमन आके नीचे वाले से एक कैंसिल हो गया, तो नीचे केवल एक बचेगा, जी एफ माइनस जी एफ, ये होल स्क्वायर है, एक कॉमन आके हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब ये हमारे पास मैक्सिमम आंसर हो चुका है, एक दो स्टेप्स इसकी और बनेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या जाएगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, जी एफ माइनस स्मॉल जी एफ इंटू वाई वन। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो वाई की स्टेप्स एक जगह ले लो, जी जी वन, जी जी वन माइनस स्मॉल जी इंटू जी वन। ठीक है, प्लस वाई की स्टेप देखो, वाई की स्टेप क्या है हमारे पास, वाई स्मॉल एफ है जी वन माइनस कैपिटल एफ है इंटू जी वन माइनस, इसको वाई से मल्टीप्लाई करो, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी एफ वन माइनस स्मॉल जी इंटू एफ वन। और देखो इसको y से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, देखो इस y को इससे करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर एफ वन एफ है, एफ वन एफ माइनस एफ इंटू एफ वन, यह आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस साइड में ले ही आए। अब आपको पता है क्या ऑब्टेन करना है आपको भाई, रिकाटी इक्वेशंस ऑब्टेन करना है, यानी अपने को सॉल्यूशंस किसके अंदर लेके आना है, रिकाटी इक्वेशंस के अंदर ही लेके आना है। ठीक है, तो एक बार हमें क्या प्रूफ करना है ये मैं फिर से बुक में देख के लिख लूँ तो ठीक रहेगा, ताकि क्वेश्चंस भी हमारे पास आ जाए। हमें प्रूफ करना है जी एफ माइनस जी एफ
हमें ये लेके आना है जी एफ माइनस कैपिटल जी एफ इंटू वाई वन जी जी वन माइनस जी वन जी, और ये आ जाएगा हमारे पास जी एफ वन माइनस जी वन एफ है, जी एफ वन माइनस जी वन एफ माइनस जी एफ वन माइनस का जी एफ वन प्लस का जी वन एफ इंटू वाई प्लस एफ एफ वन माइनस एफ एफ वाई स्क्वायर। देखो हमें ये वाला आंसर से प्रूफ करना है भाई। तो देखो हमारे पास अधिकांश आंसर्स मैक्सिमम आंसर्स आ चुका है। आपको पता है रिकाटी इक्वेशंस एक्चुअली क्या होती है भाई, डी वाई बाई डी एक्स पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। देखो हमारे पास रिकाटी इक्वेशन यही होती है ना, डी वाई बटा डी एक्स मतलब आप लिख लो वाई वन, यानी लेफ्ट साइड में आपके पास वाई वन बचना चाहिए, यहाँ आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म, फिर आपके पास y का कोफिशियंट और फिर आपके पास है वाई स्क्वायर का कोफिशियंट। तो ये मेरे पास क्या बच गया, जी स्मॉल f माइनस स्मॉल जी एफ माइनस स्मॉल जी एफ इंटू वाई वन इज इक्वल टू, पहले तो कॉन्स्टेंट टर्म बचनी चाहिए, ये देखो ये बच गई हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म जी जी वन, फिर हमारे पास किसका कोफिशियंट बचना चाहिए y का, तो देखो y का कोफिशियंट इसके अंदर भी है एफ जी वन माइनस एफ जी वन, और देखो वाई का कोफिशियंट इसके अंदर भी है तो कॉमन ले लो क्या दोनों के अंदर, तो इसका माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी एफ वन और माइनस माइनस प्लस जी इंटू एफ वन और इंटू में क्या गया वाई का कोफिशियंट प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एफ एफ वन माइनस एफ एफ वन और इंटू में वाई का स्क्वायर। तो एक हमारे पास y का कोएफिशिएंट आ गया एंड एक हमारे पास y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया, यही हमारे को आंसर से लेके आना था। तो देखो हमारे आंसर में क्या आ रहा है जी एफ माइनस कैपिटल जी एफ, यानी हमारे आंसर में माइनस साइन का क्या आ रहा है भाई, फर्क आ रहा है, तो आप दोनों साइड में नेगेटिव साइन ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन बोथ साइड। क्यों ले रहा हूँ भाई मैं, इतना छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं, पर अपने को यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है जी एफ वन, देखो जी जी कैपिटल एफ माइनस जी इंटू एफ, तो आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा भाई जी एफ माइनस जी इंटू एफ, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास है माइनस का साइन, अब इसके अंदर माइनस का साइन दो, इसके अंदर माइनस का साइन देंगे तो क्या बचेगा जी जी वन माइनस स्मॉल जी वन और जी, पहले आप ऐसे करो छोटे लिखो फिर बड़े लिखो, इसके अंदर माइनस साइन दूंगा तो इसकी वजह मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही कर देता हूँ, बाहर मैं प्लस रख लेता हूँ, तो माइनस ये कितना हो जाएगा जी वन एफ, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस स्मॉल एफ जी वन, ये प्लस का हो जाएगा स्मॉल एफ वन जी, और ये माइनस का हो जाएगा जी इंटू एफ वन, ठीक है, और ये हाँ माइनस का साइन दूंगा तो माइनस माइनस से प्लस यही दे दो, अंदर को छोड़ दो ऐसा कैसा स्मॉल एफ एफ वन माइनस स्मॉल एफ वन एफ इंटू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो जी एफ माइनस जी एफ इंटू वाई वन आ गया, जी जी वन माइनस जी वन जी प्लस जी एफ वन, देखो ये रहा जी एफ वन माइनस जी वन एफ, ये रहा माइनस जी वन एफ माइनस जी एफ वन माइनस जी एफ वन प्लस जी वन एफ इंटू वाई एफ एफ वन माइनस एफ वन एफ वाई स्क्वायर, यानी जो हमें प्रूफ करना था वो हम इसको इजीली प्रूफ कर लेके ले आए। तो क्या बोलेंगे विच इज, देखो लास्ट में क्या बोलोगे, ये क्या है हमारे पास एक रिकाटी इक्वेशंस, तो हम क्या बोलेंगे विच इज रिकाटी इज इक्वेशंस, विच इज रिकाटी इक्वेशंस, और यही इक्वेशंस हमको प्रूफ करनी थी। तो क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलिमिनेट करना है सी को, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन के अंदर वाई दिया है उसका डी वाई बटा डी एक्स निकालो, इसी क्वेश्चन से सी की वैल्यू निकाल के इसमें शिफ्ट कर दो, हमारे पास सी रिमूव हो जाएगा या फिर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 2 के अंदर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर 3 के अंदर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया था कि सेम टाइप है क्वेश्चन 2 की तरह, क्वेश्चन 3 हमने अभी ये कर ही लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है आप इतारो इसे मैं लिखता हूँ एक बार, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपीएच की बुक में पेज 98 के ऊपर,
क्या है क्वेश्चन से फाइव में नंबर वन का? देखो क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसे आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं भी आपको नहीं लिख के देगा कि हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके नीचे क्वेश्चन लिख के दे देगा। आपको खुद को पहचानना होगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू वाई प्लस आर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिकार्टी इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई पहचान नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में एक तो y का गुणांक मिलना चाहिए, देखो ये रहा, एक y स्क्वायर का गुणांक मिलना चाहिए, ये रहा। y का मिले या ना मिले, y स्क्वायर का मिलना कंपलसरी है, और एक dy बाई dx ये रहा, ये इसके नीचे आ जाएगा ना x की उनके अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये दे रखा है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वन माइनस x की क्यूब dy by dx is equal to x squares plus y minus 2x y squares। इसको मैं एक बार मान लेता हूं कि है इक्वेशन नंबर वन है। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि let y is equal to, कोशिश करो इसकी कोई ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये इक्वेशन मेरे पास से सेटिस्फाई हो जाए। देखो ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ आपको आइडिया लगाना होगा, आप y की जगह जीरो रख के देखो, y की जगह जीरो रखोगे तो देखो बनेगा ही नहीं, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो ये y जीरो करने का तो संतुष्ट नहीं होगा। y के बराबर आप अक्स रख के देखो, अक्स रखोगे तो ये कैंसिल होगा क्या, नहीं। एक बार y के बराबर एक्स स्क्वायर रख के देखो, तो मैंने लिख दिया कि लेट वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब बताइए अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तब dy बटा dx कितना हो जाएगा भाई, dy बटा dx कितना हो जाएगा, 2x। रख के देखो इधर, ये x ऐसा कैसा, 1 माइनस x की क्यूब, dy बटा dx की जगह हमने क्या रख दिया, 2x। ये x स्क्वायर, y की जगह हमने क्या माना है, x स्क्वायर, y की जगह हमने क्या माना है, x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ओपन करके देखो, x इंटू टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 5। इधर देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 इंटू 1 5। यानी आपने देखा कि ये 2x स्क्वायर माइनस 2x की 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x 5। यानी ये वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके लिए यही चैलेंज रहेगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जो इस इक्वेशंस को हमारे पास ही सेटिस्फाई करे, और आप इसे आसानी से ढूंढ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। या ज़्यादातर टाइम में या तो क्वेश्चन में लिख के दे देगा, और या नहीं लिख के देगा तो अपने को ऐसे ही कोई वैल्यू रख के सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज सेटिस्फाई द इक्वेशन वन, इज सेटिस्फाई द इक्वेशन वन। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वन पार्टिकुलर सोल्यूशन से, वन पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ ए, वन पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन से ऑफ ए इक्वेशन वन। यस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर टू किया था उसके अंदर ऑलरेडी उसने y इज इक्वल टू टेन एक्स उसका एक सॉल्यूशन से लिख के दिया था। यहाँ हमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया, इसलिए हमने लिख दिया कि देखो भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माना कि इसका एक सॉल्यूशन है, तो ये और इसको ऐसा रखो जो इसको सेटिस्फाई करके जाए। तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया, तो हमने लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज सेटिस्फाई द इक्वेशन वन। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वन पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। अब आगे ये क्वेश्चन टू की तरह बन गया, उसमें y इज इक्वल टू टेन एक्स एक सॉल्यूशन दे रखा था, यहाँ हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे आगे बड़ी आसानी से कर सकते हो सेम क्वेश्चन नंबर टू की तरह। कैसे करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, लेट अगर वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो मैंने आपको बताया कि आपको उसके अंदर हर बार क्या ऐड करना होगा, वन अपॉन जेड। तो लेट वाई इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर था उसके अंदर वन जोड़ देंगे, वन बाई जेड इज अनोदर पार्टिकुलर सॉल्यूशन से,
इज अनोदर पार्टिकुलर सोल्यूशंस, पार्टिकुलर सोल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशंस, ऑफ रिकाटी इक्वेशंस, सो इट विल बी सेटिस्फाई, सो इट विल बी सेटिस्फाई इक्वेशंस टू, सो इट विल बी सेटिस्फाई सेटिस्फाई द इक्वेशंस वन। ठीक है भाई, अब ये सेम क्वेश्चन टू की तरह बन गया, हमें पता चल गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका क्या है एक सॉल्यूशन है, कहता है हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई जेड, इसका अनोदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा रिकाटी इक्वेशन के लिए। अब इसको आप मान लो इक्वेशन टू, अब आपको क्या निकालना है इसका डी वाई वाई डी एक्स निकालो, उस क्वेश्चन टू की तरह करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वन अपॉन जेड का माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जी डी जेड बाई डी एक्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन से थ्री। तो अब ये इक्वेशन टू से वाई की वैल्यू एंड इक्वेशन थ्री से डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू कहाँ रखेंगे रिकाटी इक्वेशन वन के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लैंग्वेज हर बार ऐसे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन से टू एंड थ्री पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन वी गेट, इन इक्वेशन वन वी गेट। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई एक्स इंटू वन माइनस एक्स के क्यूब, देखो एक्स इंटू वन माइनस एक्स के क्यूब इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स का मतलब टू एक्स माइनस वन बाई जेड स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कैसा प्लस वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई जेड माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ गई हमारे पास है वाई की वैल्यू आ गई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई जेड का होल स्क्वायर। ध्यान देना ये मेरा टू मत समझ लेना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये क्या है हमारे पास है जेड है, आप इसे अच्छे से लिख लेना। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू एक्स स्क्वायर, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे करके देखो एक बार x माइनस एक्स की पावर फोर इंटू में, तो x को इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से देख लेना भाई x को इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर से माइनस टू एक्स की पावर फाइव, देखो x की पावर टू एक्स स्क्वायर से, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स की पावर फाइव है प्लस प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स, उल्टा कर देता हूँ मैं इसको प्लस एक्स की पावर, या इसको देखो माइनस का साइन करेंगे तो माइनस को उल्टा कर देना आप, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स, देखो इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा इसके साथ है, और इसका माइनस साइन अंदर दे दिया तो एक्स की क्यूब तो कहाँ से आ जाएगा हमारे पास है, ये माइनस साइन अंदर दूंगा तो ये एक्स की पावर फोर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप अपने खुद अपने हिसाब से इसके अंदर रफ में निकालोगे। अब ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना रह गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई जेड, टू मत समझना भाई से अपने साथ साथ खुद निकालो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा एक्स की पावर फोर, बाहर टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर, तो बाहर माइनस टू एक्स है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर से प्लस टू ए बी, तो दो दुनी चार एक्स तो ये हो जाएगा माइनस का फोर एक्स, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको माइनस का टू एक्स, एक्स की पावर फोर वन बाई जेड स्क्वायर से प्लस टू एक्स स्क्वायर और जेड प्लस टू एक्स स्क्वायर जेड, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स की पावर फाइव है माइनस टू एक्स अपॉन जेड स्क्वायर, और ये टू इंटू टू माइनस फोर एक्स की क्यूब अपॉन जेड, एक्स की क्यूब अपॉन जेड, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कटता है वो तो काट दो, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की फाइव से टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की पावर फाइव हमारे पास क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास है और कुछ कम होना रहा तो इसको भी काटो, एक दो स्टेप्स आप इसके अंदर और ले लेना अपने हिसाब से,
कोई दिक्कत नहीं है कि मैं शॉर्टकट चलूँ, तो आप भी इन शॉर्ट चलो, आप भी अपने हिसाब से एक दो स्टेप ज़्यादा लो, पर कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती होगी तो आगे चल के समाकलन में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से अब मैं एक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ये बचा एक्स, एक्स की क्यूब माइनस वन, वन अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स। एक तो हमारे पास ये बच गया, इधर क्या बचा, एक वन बाई जेड, वन बाई जेड माइनस टू एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स की क्यूब अपॉन जेड, माइनस फोर एक्स की क्यूब अपॉन जेड। ठीक है, पहले आप जेड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो पहले तो इसको कॉमन लो आप, वन बाई जेड माइनस फोर एक्स की क्यूब इंटू वन बाई जेड, ऐसे लो आप, तो पहले वन माइनस फोर एक्स की क्यूब इंटू में वन बाई जेड और माइनस का टू एक्स अपॉन जेड स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, एक्स एक्स की क्यूब माइनस वन, या आप इसको एक्स की पावर फोर माइनस एक्स कर दो, या लिखते हुए थे ना, इसको एक्स की पावर फोर माइनस एक्स कर दो, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब देखो इसको तो मैं ले जाऊंगा नीचे और जेड स्क्वायर को मैं ले जाऊंगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, डी जेड बाई डी एक्स बचाना है अपने को एक साइड में, और इसका सॉल्यूशन से खुद से करना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी देख लो, उम्मीद है आप लोगों ने इसका वीडियो रोक के निकाल लिया होगा, पहले खुद से निकालो ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो, और नहीं निकल रहा है तो अब देखो ये चला जाएगा इधर, तो ये कितना बचेगा मेरे पास है, डी जेड बाई डी एक्स, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बचेगा, वन माइनस फोर एक्स की क्यूब है, और ये बचेगा इंटू में जेड, देखो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, ये कितना बचेगा, टू एक्स, जब मैं जेड स्क्वायर और साथ साथ एक्स की पावर फोर माइनस एक्स को नीचे ले आओ, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स को मैं नीचे ले आया, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स को अपने नीचे ले आए। ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा तो ये इसके नीचे भी जाएगा, अब इसको इस साइड में ले आओ, तो ये मेरे पास कितना बचा भाई, डी जेड बाई डी एक्स, इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स की क्यूब है, देखो इस साइड में आके माइनस का होगा, माइनस का लिखो या मैं ऐसे लिखूँ कि फोर एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस साइन अंदर लाके माइनस को अंदर कर दो, इंटू में जेड इज इक्वल टू, एक एक्स कॉमन लेके काटो, देखो यहाँ से ये ऐसे है माइनस टू एक्स अपॉन एक्स एक्स की क्यूब माइनस वन, एक एक्स से एक्स काट दिया, ये माइनस साइन भी अंदर कर दो साथ साथ, तो ये कितना बचेगा, ये चलो ऐसे ही रहने दो एक बार, एक्स की क्यूब माइनस वन। ठीक है, माइनस टू अपॉन एक्स की क्यूब माइनस वन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, इक्वेशंस नंबर वन आ गया था, टू आ गया था, थ्री आ गया था, ये आ गया मेरे पास इक्वेशंस नंबर फोर। अब ये बताओ ये इक्वेशन नंबर फोर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई कि नहीं, डी जेड बाई डी एक्स इंटू एक्स का कोएफिशिएंट जेड इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो ये हमारे पास एक प्रकार से रेखीय अवकल समीकरण बन गई, जिस प्रकार से हम बीएससी सेकेंड ईयर में निकाला करते थे ठीक उसी प्रकार इसका सॉल्यूशन, बस जेड की जगह कौन आ गया, वाई आ गया, बाकी इसके अंदर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इक्वेशंस फोर इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, इक्वेशन से फोर इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल रहेगी हर बार ये, ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर वेयर इंटीग्रल फैक्टर, वेयर इंटीग्रल फैक्टर, बताइए भाई इंटीग्रल फैक्टर यानी इसका आई एफ क्या होगा, तो आपको पता है आई एफ क्या आ जाता है, ई की पावर इंटीग्रेशन, जो जेड का कोफिशेंट होता है फोर एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो अगर आपकी किसी स्टेप्स में गलती हो जाएगी, ध्यान से सुनो भाई, अगर आपकी स्टेप्स में गलती हो जाएगी तो आप यहाँ आके समाकलन में बुरी तरह फंस जाओगे और आप इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बार करके देखो कि लेट एक्स की पावर फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये कितना बचेगा, फोर एक्स की क्यूब माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
तो देखो फोर एक्स की क्यूब माइनस वन इंटू डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टी बट्टा टी का मतलब लॉग टी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास से, लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स, और आपको पता ये वैल्यू वन हो जाएगी। यानी हमारे पास कितना बचेगा, मतलब हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स, इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास कितना आया भाई, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स आ गया। इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, देखो इसका डी टी बटा टी का मतलब ई की पावर लॉग टी, और लॉग टी की जगह मैंने फिर से क्या रख दिया, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स, ये वैल्यू वन बन गई। तो ये इंटीग्रल फैक्टर आया, तो आप बता सकते हो कि सॉल्यूशंस क्या आएगा, तो हम बोलेंगे हेंस द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से फोर इज गिवन बाई, हम क्या लिखेंगे हेंस, देखो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस ओ द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल से इक्वेशन से फोर इज, लीनियर डिफरेंशियल से इक्वेशन से फोर इज कितना होता है भाई सॉल्यूशन से, y इंटू आई एफ, तो यहाँ y की जगह कौन चल रहा है, z इंटू आई एफ है, इंटीग्रेशन से क्यू एक्स इंटू आई एफ है, क्यू एक्स इंटू आई एफ है इंटू डी एक्स प्लस है c। तो ये रहा z, इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ हम क्या रखेंगे भाई माइनस का टू अपॉन एक्स की क्यूब माइनस वन इंटू में आई एफ, आई एफ इंटीग्रल फैक्टर यानी एक्स की पावर फोर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस ए सी, इंटू में डी एक्स और प्लस ए सी। अब आप इसका इंटीग्रेशन से आसानी से कर सकते हैं और इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं, क्या आएगा भाई देखो इसके अंदर, तो अगर मैं इसके अंदर से एक एक्स कॉमन ले लूं, देखो माइनस साइन को बाहर करो, वन अपॉन एक्स की क्यूब माइनस वन, यहाँ से अगर मैं एक एक्स कॉमन लूं तो ये कितना बचेगा, एक्स की क्यूब माइनस वन, इस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये प्लस सी, और ये बचेगा जेड एक्स की पावर फोर माइनस एक्स, ठीक है माइनस टू से टू कैंसिल से, तो ये मेरे पास वास्तव में कितना बच गया, जेड एक्स की पावर फोर माइनस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सी माइनस एक्स स्क्वायर्स, देखो इसको हम लिख सकते हैं ना प्लस का सी और माइनस का एक्स स्क्वायर्स। आपको पता है लास्ट में आपको जेड को बदलना है, क्योंकि हमेशा हर बार आंसर क्या आएगा हमारे पास है, एक्स होगा वाई होगा और सी होगा, कुछ इस प्रकार का फंक्शन होगा, तो हमारे पास जेड को हटाना है, जेड को हटाना तो जेड को तो इधर ले जाओ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर फोर माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड, इसे हम मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है भाई इसे हम क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन नंबर फाइव। तो अगर आप गलती कर दोगे प्लस माइनस में, तो यहाँ आके फिर से पहले तो आप आई एफ में ही उलझ जाओगे, और कैसे जैसे करके भी आई एफ से निकल आओगे, तो यहाँ आने के बाद एक बार फिर से फंस जाओगे, इसलिए आपको स्टेप से चाहे आप थोड़ा बहुत टाइम खा जाओ, आपके पास इतना वक्त जरूर बचेगा कि एग्जाम में इसे कर सकें, तो ध्यान रखना भाई प्लस माइनस का ही रोल रहेगा इस पेपर के अंदर, और पहले ही पहले आइडिया लगाना होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका एक सोल्यूशन है। ओके अब देखो हमारे पास यूजिंग इक्वेशन से टू, देखो हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई जेड इज अनोदर सोल्यूशन लिया था, तो इक्वेशन टू में हमारे पास है इक्वेशन टू से वन बाई जेड कितना आ जाएगा, वाई माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इक्वेशन टू से आप ये इक्वेशन टू थी भाई वन बाई जेड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस एक्स स्क्वायर पुट इन इक्वेशन फाइव है वी गेट, पुट इन इक्वेशन फाइव है वी गेट कितना आ जाएगा, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई जेड, और वन बाई जेड का मतलब वाई माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो वास्तव में आपके पास आंसर कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इसको और ज़्यादा सॉल्यूशंस करना चाहो तो कर देना कि ये सी एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके वापस नीचे लिख देना, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली आंसर कितना बचेगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर से वाई बराबर, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान रखना पहला ही पहला सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, पहला सॉल्यूशन इसका वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आईडीए से लेके आएंगे, दूसरा सॉल्यूशन हम इसका लिखित में लेके आएंगे, और ये दो ही सॉल्यूशन हमको इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस रिकार्टी इक्वेशन के, यहाँ आपको एक सॉल्यूशंस देगा नहीं, एक सॉल्यूशंस का आपको आइडिया लगाना होगा, उसके बाद दूसरे सॉल्यूशन में तो आप उसके तुरंत 1/z ऐड करके और आगे की प्रोसेसें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 का। अब देखो हमारे पास एक बार अगर मैं बुक्स निकालूँ तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 2 का, देखो क्वेश्चंस नंबर 5 में हमारे पास है 2, 3, 4, ये तीन क्वेश्चन हैं, ये आपको पीडीएफ नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। कोशिश करना पहले आप आईडीए से उसका एक निकाल लो, सॉल्यूशंस निकाल लो। जैसे मान लो मैं अगर क्वेश्चंस नंबर 3 को लिखना चाहूँ तो 3 है मेरे पास है dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले बताओ क्या ये रिकार्टी इक्वेशन है, तो रिकार्टी इक्वेशन के लिए dy/dx वाई का कोफिशियंट चाहिए और वाई स्क्वायर का। अब यहाँ आइडिया से बताओ कि वाई का सॉल्यूशंस क्या आए, तो मैं एक बार देखो ये वाई और इस वाई को समान बना दूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो इसको समान बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो अगर मैं यहाँ वाई की जगह साइन एक्स रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहेगा ऐसा कैसा कोस एक्स, और dy/dx यानी इस वाई का dy/dx कितना आ जाएगा कोस एक्स। तो बताओ ये इसे सेटिस्फाई किया कि नहीं, तो हम बोलेंगे ध्यान से कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इसका एक ही सॉल्यूशन है, तो दूसरा सॉल्यूशन आप क्या लेके चलोगे साइन एक्स प्लस 1/z। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे अपने को पीडीएफ नोट्स में निकालने हैं, और पीडीएफ नोट्स आपको पता है कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है आज की इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो इसमें अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, क्वेश्चन 6 है वो आप एक बार छोड़ देना, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन 7 और 8 ये भी आप पीडीएफ से देख लेना भाई, क्यों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये भी आप पीडीएफ से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसमें भी एक एक सॉल्यूशन वाले ही हैं, यानी सारे क्वेश्चन हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, कभी अपने को ऐसे आइडिया से निकालना होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के आप पीडीएफ नोट्स में देखोगे तो एक्सरसाइज 5.2 के सारे टोटल क्वेश्चन से हो जाएंगे। इसके अंदर एक तो एग्जांपल 4 बचेगा, एक एग्जांपल 5 है, और एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम एक छोटी सी थ्योरम है जो आपको एग्जाम में तो नहीं पूछता है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए वो पता होनी चाहिए। ओके भाई।